खबर मध्य प्रदेश से। जहां मध्य प्रदेश की सियासत में एक वायरल चिट्ठी की वजह से सियासी घमासान है। जी हां, यह चिट्ठी ठेकेदारों की तरफ से हाईकोर्ट को लिखी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस चिट्ठी को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद सियासी लड़ाई और कोर्ट कचहरी तक ये पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी चिट्ठी को फर्जी बता रही है। इसी मामले में वायरल चिट्ठी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा में FIR दर्ज किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अरुण यादव और कमलनाथ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज, और ये आपको हम दिखा रहे हैं बगल में जो तस्वीर, और किस तरह से ये पूरी खबर है। चलिए, इसको लेकर क्या बयान, क्या प्रतिक्रिया, सुनिए। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं। सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो, और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं, और एटीएम को सफाई देने कौन जाए? ये नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक ही छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाए। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहां से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे, जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा।